सो वापस से बहुत सारा खतरनाक चेंजेस होने वाला है। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन लेफ्ट किया, कौन ज्वाइन करने वाला है, ब्लाइंड में चेंजेस होने वाला है। सबसे पहले हेक्टर ने स्टोरी लगाया, वट एवर इज टेकन अवे फ्रॉम यू विल बी रिप्लेस्ड विद समथिंग बेटर, इमान अली। मतलब यहाँ पे ये कुछ कोट्स डाल रहे। फिर कल एक और यहाँ पे ट्वीट किए थे इंस्टाग्राम में, स्टिल आई हैव अ बुक ऑफ मैनी मेमोरीज, एवरी प्रोमिस इट्स इन इट। मतलब भाई जिस तरह यहाँ पे ये लोग कोट्स लिखे जा रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग लीव करने वाले हैं। फिर ओमेगा ने भी एक स्टोरी लगाया था, एक यहाँ पे रील था, आई डोंट फिट इन, आई नेवर विल, आई एम माई ओन टाइप, डिफरेंट। और यहाँ पे कैप्शन देख सकते हो, तो सिंपल बात है कि ये लोग लेफ्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि भाई ये सब स्टोरीज कोर्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब ये लोग स्कूल में रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है, जिस तरह ये लोग स्टोरी भी लगा रहे हैं ये भी कंफर्म करता है कि ये लोग लेफ्ट करने वाले हैं। अब ये लोग मिलके एक टीम बनाने वाले हैं या क्या होगा वो श्योर नहीं है, बट जितना न्यूज आ रहा है अमित भाई, ओमेगा, हेक्टर, अक्षत ने कोई स्टोरी नहीं लगाया, बट अक्षत और ओमेगा हमेशा साथ में रहे, तो ये तीनों लेफ्ट करने वाले हैं, ऐसा न्यूज है, कंफर्म नहीं हुआ है, मैं बता दूं। और फिर जो न्यूज आ रहा है कि ब्लाइंड के बारे में, तो ब्लाइंड एस्पावर जो थे यहाँ पे देख सकते हो उनका बायो में ई स्पोर्ट्स एथलीट से ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स हटा दिए हैं, मतलब वो एक न्यू ऑर्ग ज्वाइन करने वाले हैं। अब जिस तरह न्यूज आ रहा है कि जो यहाँ पे ब्लाइंड टीम है, आपको पता है बहुत ही परफॉर्मिंग टीम है, अभी बेस्ट टीम है इंडिया की, तो इसको बहुत सारे ऑर्ग अप्रोच किए हैं, ओजी ने भी अप्रोच किया था। तो देख सकते हो ओजी के ओनर ने ट्वीट किया, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है और पैसा, मतलब सिंपल यहाँ पे बात है कि ये लोग भी अप्रोच किए होंगे, बहुत सारे ऑर्ग ने अप्रोच किया, तो भाई जो जितना ज़्यादा पैसा देगा वो उसमें ज्वाइन कर लेंगे ऑब्वियसली। तो अभी यहाँ पे जिस तरह न्यूज़ आ रहा है कि 5-6 और कॉन्टैक्ट ही है ब्लाइंड स्पोर्ट्स के प्लेयर्स से, अब देखते हैं वो लोग कहाँ ज्वाइन करेंगे। और एस पावर ने ही सिर्फ अभी यहाँ पे अपना बायो से हटाया है, बाकी प्लेयर अभी भी रखे हैं, तो क्या पता क्या सिर्फ एस पावर लीव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो टीम लीव करेंगे, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इस टीम के साथ ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग पूरा लाइनअप ही चेंज होने वाला है ऑर्ग से, मतलब वो लोग दूसरा ऑर्ग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि मे बी यहाँ पे प्लेयर भी चेंज हो जाए, क्योंकि 5 प्लेयर है और आपको भी पता है ब्लाइंड के 5 प्लेयर खेल नहीं पाते हैं, जहाँ पे 5 मैन लाइनअप है तो प्रॉब्लम्स तो आता है, देखते यार आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना। उसके बाद देख सकते हो एगी ज्वाइन कर चुके हैं विंड गॉड ई स्पोर्ट्स, जिसमें अभी थे पहले, तो उनके पुराने टीममेट है। एंड एक और न्यूज़ है, एक्वानॉक्स गॉड्स रेंज लेफ्ट कर दिए, ये एक शॉकिंग न्यूज़ था भाई, यहाँ पे गॉड्स रेंज के परफॉर्मिंग प्लेयर थे, भले कुछ मंथ से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है बट ये लेफ्ट किए है, तो अब गॉड्स रेंज अभी एसॉल्टर का कमी हो गया है, देखते भाई मतलब शॉकिंग चेंजेस है। अभी और बहुत सारे लाइनअप में चेंजेस होगा, फिर एडबिट में भी चेंजेस होने वाला है जितना सुनने में आ रहा है, टीएक्स में भी आईजेल का कमी है भाई, मतलब चलो यार जो भी न्यूज़ है मैं आपको बता दूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।